भीड़ हो जाए। पहले सबको नमस्ते, मेरा नाम उल्लू तेगा है। ये सब चीज़ हम कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, बोलो, क्योंकि हम लोग सपना यही था कि एशियन गेम्स में खेलेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसमें मेडल्स आ गया, अपना अरुणाचल का नाम और इंडिया का नाम रिप्रेजेंट करेगा और ऊंचा करेगा। लेकिन ये सपना सबसे बड़ा तो सर का था, क्योंकि सर चाहता था कि हम एशियन गेम्स से पार्टिसिपेट करें, उसमें मेडल्स लाए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये सब हो गया तो बहुत दुख है। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि बहुत सारा हमें सपोर्ट किया है हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने और किरण रिजिजू सर उसका स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की उन्होंने लास्ट तक कि हमें वो एशियन गेम्स में खिलाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। इसी से बहुत मैम आपका साथ में ऐसा हुआ, आप लोग तीनों का साथ में ऐसा हुआ, आप लोग जाने नहीं मिले, इतना आप लोग सपना देख के जाएगा जाएगा सोच रहा था पर जाने नहीं मिले, इसमें आप लोग का क्या कमेंट रहेगा चाइनीज अथॉरिटी के टूवर्ड्स में? इसमें तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब तो हम लोग बात का बात नहीं है, तब तो भरा भरा तो वापस का बात नहीं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमें खेलने मिले, इसे भी अभी और तो भी बहुत सारे प्लेयर्स निकल रहे खेलने के लिए, क्या बता उन लोग गेम्स भी चाइना में हो तो हम सोचते हैं कि ये सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो जाए। हम लोग उसको स्टेट गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता है कि वो मिलना चाहिए। उसका बाद ये तीन बच्चा का तीन प्लेयर को जो ग्रेजुएटेड पोस्ट को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता है कि ये हमको हम लोग को तीनों बच्चा को एशियन गेम के लिए जो मिलना था मिलना चाहिए सर। हम तो स्टेट गवर्नमेंट का ये मेरा एक अपील है, क्योंकि ये तीनों का गलती नहीं है, तीनों जो एशियन गेम में क्वालिफाइड हुआ है, तीन बच्चा तो एशियन गेम क्वालिफाइड हुआ है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है ये तीन बच्चा जो, ये तीनों का गलती नहीं है, ये गलती जो हम लोग का चाइना का गलती है, हम लोग तीन बच्चा को आने नहीं दिया, मेरा तीन उस तीन प्लेयर को आने नहीं दिया है। थैंक यू। मेरा ये जो तकी साहब थोड़ा सा क्योंकि आपका अनुभव जो था ये पहला बार नहीं है अरुणाचल प्रदेश को ऐसा मौका समय में फायदा उठाने को नहीं मिला, ये दूसरा तीसरा टाइम है ऐसा, तो कैसा चलेगा ये अभी जो अभी आप लोग का सामने में अरुणाचल उसू तीन प्लेयर है जो इंडिया टीम माने इंडिया का के लिए रिप्रेजेंट करना था चाइना में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया था वो लोग का नाम। तो हम रिक्वेस्ट है इंडिया गवर्नमेंट से, चाइना गवर्नमेंट को अच्छा से बात करके डिप्लोमेटिकली या हाइस्ट लेवल से बात करके फ्यूचर में भी हमारा खिलाड़ी लोग ऐसा वंचित ना हो इसको सॉल्व कर देना, ठीक है? अगर सॉल्व करने बिल्कुल नहीं सकता है तो ओनली फॉर एथलीट्स नॉट फॉर टूरिस्ट, ओनली फॉर एथलीट्स स्टेबल वीसा में जाने देने से भी ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं।